सर आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आज अवार्ड शो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अवार्ड शो है और ये इतनी बड़ी प्रक्रिया प्राप्त की है और उसके बाद ऐसा है क्या। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपका सहयोग बहुत बड़ा इस अवार्ड फंक्शन के लिए रौनक ला सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो फाउंडेशन है इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन, जो कि 195 कंट्रीज में काम करती है, और इस फाउंडेशन का मिशन है कि हर बच्चे को सैटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, और हम उस पर काफी दिनों से काम करें और पिछले करीब 11 ईयर्स से हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में हमने भारत के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में हमने स्पेस प्रोग्राम किए और 1.5 लाख बच्चों को सैटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेनिंग दी। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो IIT, इसरो, DRDO से आते हैं और काफी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है वहां से आते हैं। इन सभी जो हमने जो काम किया उसके पीछे हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, क्योंकि हमें बच्चे कहाँ से मिलेंगे सबसे बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को साथ देने के लिए हमारे प्रधानाध्यापकों ने जो 2800 राज्य से और 9 यूनियन टेरिटरी से हमें बहुत साथ दिया, और उसकी वजह से हम इस मिशन को काफी अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इन सभी प्रधानाध्यापकों ने जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 75 ईयर में आजादी के अमृत काल में हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसी चीज को IIDYAM ने अपने साथ लिया और हमने स्टार्ट किया 75 प्रिंसिपल, 75 अवार्डीज और 75 ईयर्स। 75 साल में हम हैं, 75 प्रिंसिपल्स हैं और 75 अवार्डीज हैं, लेकिन क्योंकि ये अवार्ड जो है कलाम सर के नाम से है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा सर्वोच्च सम्मान, भारतीय शिक्षा पद्म भूषण सम्मान, नेशनल चिल्ड्रन एक्सलेंस अवार्ड जो कि छोटे बच्चों के लिए है, और इस अवार्ड फंक्शन में 205 लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं, और साथ ही साथ दुनिया के देश के भी हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा लोगों को कि देखो, आप जिंदगी में कुछ भी करो सबसे पहले देश होता है, इसलिए हमेशा दिमाग में रखो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यस, IIDYAM फाउंडेशन जो है अभी जो है सैटेलाइट एजुकेशन पर काम करती है। सैटेलाइट एजुकेशन में क्या होता है कि हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था बचपन में तो मेरे जो गुरु थे वो बोलते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बोलते थे बेटा अच्छे काम करोगे तो NASA में जाओगे, लेकिन मेरे मन में एक हमेशा बात चलती रहती थी कि हमारा इसरो जो इतना अच्छा काम करता है हमारे देश के लिए, उसका नाम लोग क्यों नहीं ले रहे। वो एक वजह थी इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन को स्टार्ट करना। हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले जो पहली ट्रेनिंग में उनको बेसिक आइडिया देते हैं कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट कैसे बिल्ड होती है और सैटेलाइट कैसे काम करती है। उसके बाद जो उनका जो सेकंड सेशन होता है उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि सैटेलाइट को बिल्ड कैसे करना है, और उसमें तीन दिन से एक हफ्ते का वर्कशॉप होता है जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे खुद की एक फेमटो सैटेलाइट बनाते हैं। अभी आपको मैं बहुत खुशी के साथ ये जानकारी देना चाहूंगा कि इन सभी कार्यों के कारण भारत सरकार ने तो हमें मान्यता दी ही है, UNO ने तो हमें रिकॉग्नाइज किया ही है, साथ ही साथ इसरो जो कि इंडिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड की भी बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है, एंड नाउ वी आर रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो IIDYAM वही कर रही है जो हर एक भारतवासी को करना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस मिशन पर काम कर रही है। 70 कंट्रीज में हमने फ्री में स्पेस प्रोग्राम चलाए हैं बच्चों के लिए, और आने वाले समय में 195 कंट्रीज में चलने वाली है आप सभी के सहयोग से। देखिए सर, जनरली क्या होता है कि बच्चे फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं 5वीं क्लास से, तो 5th क्लास से क्या होता है कि बच्चों को ये पता चलता है कि भाई स्पेस के बारे में हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं सैटेलाइट को बिल्ड करने में। तो उसमें क्या होता है कि 5th क्लास के बाद हमें फोर्स के बारे में पढ़ना होता है, प्रेशर्स के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि जब हम एटमोस्फेयर में सैटेलाइट को भेजते हैं तो सैटेलाइट करती क्या है, सैटेलाइट क्या करती है कि जो फेमटो सैटेलाइट जो बच्चे बिल्ड करते हैं वो क्या करती है कि एटमोस्फेयर में जाके टेम्परेचर प्रेशर्स को डिटेक्ट करती है कि अभी का टेम्परेचर क्या और प्रेशर क्या है।
तो उन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए आपको पहले प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए, आपको फोर्स की जानकारी होनी चाहिए, और इस वजह से ही हम वो चीज को कर पाते हैं। तो फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स के बच्चे इस सैटेलाइट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और वो खुद की सैटेलाइट 3 दिनों के अंदर IDYM की मदद से बना सकते हैं। भविष्य में आप कैसे देखते हैं और कितना आगे देख रहे हैं और नया जोड़ना चाहते हैं आप टेक्नोलॉजी के लिए, या कितना आपका भूमिका होगा आने वाले समय? यस, हमारा अगला मिशन है, हमारा बिहार में एक स्पेस स्कूल बनने जा रहा है और हमने छत्तीसगढ़ में एक स्पेस लैब भी बनाया है। रत्नेश जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और मालवी जी मेरी बहुत ही प्रिय दोस्त है और काफी सारे मेरे दोस्त सब मिलकर के हमने छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी एक लैब चला रहे हैं और साथ ही साथ पटना में हमारी एक स्कूल आ रही है स्पेस स्कूल, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में स्पेस एजुकेशन मिलेगी। आपने देखा होगा स्कूल जहां पर फिजिक्स की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है, मैथ की पढ़ाई होती है, पर आपने ऐसा स्कूल अब इंडिया में आने वाला है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि सैटेलाइट क्या है, रॉकेट क्या है और कैसे काम करती है। ये अवार्ड जो फंक्शन है इसमें सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है और प्रिंसिपल्स आप जानते हैं कि नेशन बिल्डर्स है, बिना प्रिंसिपल की वजह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस अवार्ड फंक्शन में सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है, यहाँ पर काफी सारे प्रिंसिपल आए हुए हैं। 205 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जिसमें 34 स्कूली बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं उनको भी दिया जाएगा। यस, मैं बस सभी लोगों से ही अपील करूंगा कि आप क्या करो, हफ्ते में अपने को 7 दिन मिलता है, दिन में 24 घंटे मिलते हैं, सब लोग मिलकर देश के लिए काम करो क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। तो मैं सभी भारतवासियों से और जो भारत के बाहर हमारे जो इंडियंस हैं सभी से मैं आह्वान करता हूं कि ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कंट्री कम फर्स्ट, नेशन कम फर्स्ट। इफ नेशन विल ग्रो वी विल ग्रो, विदाउट नेशन वी कांट ग्रो। तो सबको 5 मिनट कम से कम अपने देश के लिए योगदान देना चाहिए और जो आप पैसे कमाते हो, जो आप पैसे अर्न कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसे को कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करो, क्योंकि जब देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, देश का विकास अच्छा होगा, हमारे बच्चों का विकास अच्छा होगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू अचीव अ लॉट, क्योंकि हमें आने वाले समय में वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बननी है और ऑलरेडी हम सुपर पावर हैं और सुपर पावर तभी हम बन सकते हैं जब हमारे बच्चे खुद की सैटेलाइट और रॉकेट बनाएंगे। थैंक यू सर। आज आवाज जोर से बोलिए थोड़ा फिर से। आज अवार्ड शो में आप आए हैं, हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस अवार्ड शो में और किस चीज के लिए आपको अवार्डेड किया गया? ये देखिए IDYM की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ये अवार्ड शो और मैं यहाँ पे बहुत ही अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ और यहाँ पे जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने कि देश के लिए काम किया है उनके लिए ये अवार्ड शो किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और ये अभी ये पहली शुरुआत है अवार्ड शो की। और ये जो अवार्ड शो में जितने भी प्रिंसिपल प्रेरित हो रहे हैं IDYM के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि IDYM का प्लेटफॉर्म 195 कंट्रीज में है और यहाँ पे टोटल जितने भी जो है प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज 200 लोग जो है 200 प्रिंसिपल एक जगह कम पड़ जा रही है यहाँ पे आकर के हम ये अवार्ड शो का वो कर रहे हैं और ये इस स्वागत वाली भी बात है, देश के गर्व की बात है, क्योंकि हम बात करते हैं IDYM से नेशन फर्स्ट, जो प्रधानमंत्री साहब हमारी बात करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना है उस पर ये काम हो रहा है। थैंक यू। My Reshma, and a huge happy because I'm honored with this Dr. Abdul Kalam Bharatiya Shiksha Padma Bhushan Puraskar 2023. Actually, on social responsibility and humanitarian work, and I'm so happy because I'm surrounded with so many intellectual and education is something we can equally showcase because poverty cannot deprive from their education. Education is always a poverty killer. It is something which we can, it's our cheapest defense our country can have. As Ravi says, nation first. I'm thankful to IDYM and thank you so much. This is increasing my responsibility for us.
थैंक यू बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें इस अवार्ड से नवाजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे परिवार की शुरुआत जो है माँ बाप से होती है, माँ बाप का रिश्ता बहुत गहरा से रहा है बच्चे के जिंदगी में, तो अगर माँ बाप का रिलेशन बहुत अच्छा है तो अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा संस्कार है, तो इसलिए एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए आपको किसी मेंटल हेल्थ या कोई या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपना रिलेशनशिप बेटर करना होगा, और हम जो सपोर्ट से कर सकते हैं आपकी हेल्प की हमेशा तैयार है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मैम आपको उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यस थैंक यू। हाय आई एम एलिसा वेलिस फ्रॉम मेक्सिको एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी टुडे विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड कम टू शेयर ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वी कंटिन्यू वर्किंग फॉर ऑल द न्यू जनरेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर द एजुकेशन। थैंक यू फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई फील वेरी प्राउड टू रिसीव दिस भारतीय शिक्षा पद्म अवार्ड बिहाफ ऑफ ऑफलाइन स्कूल ऑफ स्कूल थैंक यू टू आई डी वाई एम टीम